राजस्थान के पाली में एक पिता ने अपनी बेटी को शादी में करोड़ों रुपए के सोने और चांदी के गहने और कई सामान गिफ्ट में दिए, जिसके बाद से शाही शादी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। राजस्थान के पाली में एक शाही शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि शादी में एक पिता ने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह विदा किया। दुल्हन को गिफ्ट में सिर से लेकर पैरों तक पहनने के लिए करीब 3 किलो सोने के गहने दिए, साथ ही एक SUV गाड़ी, स्कूटर, जमीन का प्लॉट, बेंगलुरु में फैक्ट्री, पाली के हाउसिंग बोर्ड में 2 बीघा जमीन और 1.8 करोड़ की FD दी। इसके साथ ही चांदी के बर्तन और चांदी का ही पलंग, सोफा सेट और डाइनिंग टेबल भी गिफ्ट में दिए। शादी में इतना सारा सामान देकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। करोड़ों रुपए के सामान गिफ्ट देने वाले महेंद्र सिंह का बेंगलुरु में प्रॉपर्टी का बिजनेस है, साथ ही पाइप बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल के वेस्ट बैंक में एक बार फिर से हुई गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। इसराइल के वेस्ट बैंक इलाके में एक बार फिर से गोलीबारी हुई, उसमें 2 स्थानीय लोगों की जान चली गई। घटना के बाद की तस्वीरें सामने आई, जिसमें उस कार के अंदर पुलिस अधिकारी जांच करते हुए दिखाई, जिसमें गोलीबारी के बाद इसराइल पुलिस को 2 शव बरामद हुए। इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि वेस्ट बैंक में रहने वाले 2 लोगों की फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले काफी वक्त से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच टकराव जारी है और दोनों के बीच होने वाली कार्रवाइयों में अक्सर बेकसूर लोगों की जान जा रही है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट का असर अब वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। वहां पर मरीज जरूरी दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्पताल में दवाओं की किल्लत हो चुकी है। दूसरी तरफ कई जगह मेडिकल उपकरण की कमी की वजह से डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी संवेदनशील सर्जरी के लिए जरूरी एनेस्थेटिक्स का 2 हफ्ते से भी कम का स्टॉक बचा है। इस संकट का असर पाकिस्तान के अस्पतालों पर भी पड़ सकता है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होता जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान जरूरी मेडिकल सामान का आयात नहीं कर पा रहा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। अमेरिका के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने लोगों को जमा कर रख दिया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं, जहां कुदरत ने जमकर कहर बरपा रखा है। जहां देखिए तबाही नजर आ रही है। बर्फ से ढके खेल के मैदान और पहाड़, बर्फ से ढकी सड़क, सड़क पर चलती कार, इतना ही नहीं बर्फ से पहाड़ों से घिरी झील भी जम गई है। जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ, सर्दी ऐसी की जो इंसान का खून तक जमा दे। तस्वीरों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, पहाड़ से लेकर सड़क तक, घर से लेकर गाड़ी तक, हर जगह बर्फीले तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तापमान माइनस में पहुँच गया। स्नो अटैक ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से हाईवे पर सफर करने वालों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई, जिसमें मकान की छत और सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जम गई। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में हो रही बर्फबारी से धाम का इलाका भी बर्फ से ढका हुआ दिखाई दिया। बद्रीनाथ में बर्फबारी से वादियां बेहद खूबसूरत नजर आई। बद्रीनाथ धाम की ऊंची ऊंची चोटियों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कई इंच तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई दिखाई दी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में भारी बर्फबारी के बाद वादियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी, पेड़ पौधे बर्फ से लदे हुए नजर आए।